तो दोस्तों सबसे पहले तो आप यहाँ पे टाइम देख लीजिए, 8:02 हो रहा है और अभी इंस्टेंट मुझे जो कैशबैक रिसीव हुआ उसके बारे में देख लीजिए। बैलेंस हिस्ट्री पे क्लिक करके दिखाते हैं, यहाँ पर से देख सकते हैं कि 30 रुपीज रिसीव हुआ, टाइम डेट वगैरह सब कुछ देख लीजिए। हेलो गाइस, वेलकम टू टेक अमानत। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था अपने परसों वाले वीडियो पे, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर आप पेटीएम से मिनिमम 1 रुपीज ट्रांजेक्शन करते हैं तो भाई आपको टोटल अप टू 100 रुपीज तक का कैशबैक मिल जाता है, यानी कि आप जार ऐप पे जा करके टोटल 1 रुपीज का गोल्ड परचेस करते हैं तो आपको 100 रुपीज तक कुछ भी मिलता है, ठीक है। लेकिन 1 रुपीज का मिनिमम गोल्ड परचेस नहीं होता है, 10 रुपीज का होता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 रुपीज का गोल्ड परचेस कीजिए और उसके बदले आपको एक स्क्रैच कार्ड मिल जाएगा पेटीएम पे, जहां पे आप उसको स्क्रैच करेंगे तो आपको अप टू 100 रुपीज तक कुछ भी मिल जाएगा। बहुत लोगों को 100 भी मिला है, बहुत लोगों को 30 भी मिला है, बहुत लोगों को 5 रुपीज भी मिला है, बहुत लोगों को 7 रुपीज भी मिला है, तो इस तरह से कुछ भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने उस ऑफर को एक्टिवेट नहीं किया है तो जाइए, ऑफर अभी भी लाइव है, जार ऐप डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करने के बाद आप वहां पर से मिनिमम गोल्ड परचेस कीजिए और पेमेंट पेटीएम के थ्रू करिए, आपको अप टू 300 रुपीज तक मिल जाएगा, क्योंकि 3 बार आपको यहाँ पे परचेस करने का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो फिलहाल मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे से पूछा कि सर प्लीज ये बता दीजिए कि अब वो जो जार ऐप में हम लोगों ने गोल्ड परचेस किया उसको सेल कैसे करना है, क्योंकि मैं कोई भी नुकसान वगैरह नहीं चाहता। तो भाई आपको पता है कि टेक अमानत कभी भी आप लोगों का कोई भी नुकसान नहीं होने देगा, क्योंकि इसी वजह से सिर्फ मैं अपने चैनल पर आप सभी को विदाउट इन्वेस्टमेंट लूट बताता हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप जार ऐप का गोल्ड जो है वो आसानी से विड्रॉ कर सकते हैं, बस आपके पास एक UPI होना चाहिए, ठीक है। तो अभी चलिए सिंपल से मैं आप सभी को दिखाता हूँ जार ऐप ओपन करना है। जार ऐप ओपन करने के बाद आपको करना क्या है, लेफ्ट साइड में आपको 3 डॉट दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर से आपको सेविंग विड्रॉ का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो सेविंग विड्रॉ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर से आपको दिखा रहा होगा कि आप कितने का गोल्ड सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो गोल्ड सेल करने के लिए नीचे जो आपको अमाउंट दिख रहा है ना, तो यहाँ पर से देख सकते हैं कि 30 रुपीज 40 रुपीज इस तरह से दिख रहा होगा, तो जो भी दिख रहा होगा मैनुअली आप उसको टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद जैसे आप रिडीम पे क्लिक करेंगे तो वहां पर से आपका एक UPI पूछा जाएगा, ठीक। जैसे आप UPI पे क्लिक करेंगे तो UPI पे क्लिक करने के बाद वहां पे अपना UPI डाल देना है, या फिर अगर आपका UPI पहले से डाला हुआ है तो उस पर क्लिक करके इंस्टेंट आप विड्रॉ करेंगे, आपके अकाउंट में आसानी से आ जाएगा, कोई तरह की दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने इस जार वाले ऑफर को नहीं लूटा है तो फटाफट से जाइए अभी भी टाइम है, इसको लूट लीजिए और आप जितना भी नंबर से इसको बनाना चाहें आसानी से बना सकते हैं, जितना बार आपका पेटीएम रहेगा उतना बार आप इसको लूट सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं भाई जो मैंने आपको बताया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो कर दीजिए हमेशा की तरह वीडियो को लाइक एंड साथ ही साथ करते जाइए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि आपको पता है कि मैं आप सभी के लिए डेली कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेकर के आता रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए फिलहाल वीडियो में ही तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।